नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना राया क्षेत्र में थाने के समीप रात में एक तेज गति में आती कार ने सड़क पार करती महिला को टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लोगों ने पीछा करके कार को पकड़ लिया। राया निवासी भरत सिंह घुमंतू जाति का है, जो राया थाने के समीप सड़क किनारे कच्चा घर बनाकर परिवार के साथ लोहा पीटकर अपना गुजारा करता है। सोमवार की रात भरत की पत्नी शरबतिया पानी लेने की खातिर सड़क पार कर रही थी, तभी तेज गति में आती इस कार ने उसे रौंद डाला। इस दुर्घटना में शरबतिया की मौके पर ही मौत हो गई। चालक मौके से कार भगा ले गया, परंतु रेलवे फाटक बंद होने पर उसको कार समेत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पति भरत ने मंच न्यूज को दुर्घटना की जानकारी दी। ये आपकी पत्नी है? हाँ, मेरी पत्नी। क्या नाम है इनका? शरबतिया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक गाड़ी आके ऐसा उसको उड़ा के चली गई। कितने बजे की बात है? ऐसी 9:30 बजे की बात है। तो क्या सड़क पार कर रही थी? नहीं, पानी लेने के लिए गई थी सामने पे। आप लोग कहाँ थे? हम सब तापरे थे। जैसे एक्सीडेंट हुआ, जैसे हम गाड़ी के पीछे सब भाग गए, वहाँ गाड़ी को हमने पकड़ लिया, इतने फाटक लग गया था साहब। हाँ, फिर गाड़ी पे पकड़ के हमने पुलिस को फोन किया, तुरंत पुलिस आ गई साहब। तो शरबतिया की मौके पे मौत हो गई थी? हाँ, बिल्कुल, मरते ही हो गए, खत्म लगते खत्म हो गई थी साहब वो। अच्छा, तो वहाँ सड़क किनारे रहते हैं? हाँ, सड़क किनारे रहते हैं, उबड़े हैं साहब। तो ड्राइवर पकड़ लिया? हाँ, ड्राइवर पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली। एक हमारी चाची थी, वो जा रही थी पानी लेने, तो गाड़ी उसकी इतनी स्पीड से थी, उसका कोई अंदाजा नहीं था हमको। हमने तो अपने बच्चों को भी साइड से हटा लिया। तो जाते खेम में उनने इतनी स्पीड से गाड़ी से उसको फेंका, तो इतनी स्पीड से उनको फेंका, तो वो जाते खेम में तार में लगी, तार से उसका पैर था आधा अलग हो गया। तो 11,000 की लाइन थी, लाइन में इतनी बुरी जोर से आग लगी, तो हम देखने लगी, तो उनको उठाया तो चाची खत्म थी। मौके पर ही खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म। गाड़ी पकड़ ली है या भाग गई है? पकड़ ली है फाटक पे। फाटक लग रहा था, 9:30 वाली गाड़ी आ रही थी पलंग से, पकड़ लिए गाड़ी, पकड़ ली। कुछ तो पुलिस भाग के आए थाने में, कोई हमारे आदमी से पकड़ के ड्राइवर को गाड़ी को अंदर पहुंचा दिया चीलगढ़। तो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंच गई? हां पहुंच गई, 9:30। थाना बलदेव क्षेत्र में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई। पोस्टमार्टम गृह पर पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर आग लगाने का आरोप लगाया। ये शव है नगला अकोश बलदेव की रहने वाली डोली का। डोली की शादी बलदेव के गांव पटलोनी निवासी पुष्पेंद्र से हुई थी। शादी के बाद से घर में अनबन रहती थी। इसी अनबन के बीच संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में डोली जल गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम गृह पर मृतका के भाई ने जहां ससुरालियों पर आग लगाने का आरोप लगाया, तो वहीं ससुर ने इस आरोप से इनकार किया। ससुर खड़े हुए आपके सामने, ये मना कर रहे हैं कि आग खुद लगाई थी? नहीं, मैं एक बार इनके सामने आया था, मतलब रक्षाबंधन के दूसरे दिन में आया था, उस झगड़े की बात थी। उस समय 4-5 आदमी आए थे मेरे साथ, इन्होंने कहा था कोई बात नहीं, बच्चों बच्चों की लड़ाई है, अब कुछ नहीं होगा। अब इतने ही दिनों बाद ये सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब ये आपके सामने कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ना सर, हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा भाई उसने की तू बहने बहन में बैसी है। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं? पहले मतलब तो बहन बहन में बहो, तो हमारे जेब हमारे बुलाए ले भैया, जी बहन बहन कोई कज्जाबाजी चल रही है जी बस। तो फिर मतलब आ गए थे, कोई बात ना, शांत शांत रहे। मतलब आपका कहना ये है कि आग लगाई हो, बहन बहन के झगड़े में लगाई है? ना ना लगाई। तो फिर अब कोई झगड़ा तो कोई हथी ना होगा, तो आग लगाने का कारण होगा? हमें क्या बात ही नहीं पता, बहने पता होगी आगे तो लगा ना लगाई, मतलब जिन्हें हमें खबर कैसे आग लगी। तो आप घर पर नहीं थे उस समय? ना आए थे, ना है? और तो कोई घर पे कोई सदस्य तो होगा? बहन ही जाकी और एहसास हुई और बाकी थे छोटी छोटी बच्चा, तो पूछा होगा आपने? तो मैं तो कर गया, हमने आगे तो रोटी देखी गई है, जाती ऊपर जाके आग लगा लीजिए, हमने आग लगा ली है। हाँ, लेकिन ये भाई का कहना ये कि आग लगाई नहीं, और आग लगी नहीं और ससुराली में लगाई है? ना सब वो ना जा पाते कि भाई बहन बताया रही मुझे। अच्छा, क्यों लगाई, कुछ कारण तो होगा? कोई कारण ना, कुछ बताना, कुछ झगड़ा वगैरह चलता हो पति वगैरह से? ना कोई झगड़ा ना, कोई झगड़ा नहीं था। वृंदावन के अद्दर चौकी क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने काफी प्रयास किए, लेकिन युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। कोतवाली वृंदावन इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां के अद्दा चौकी क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा हुआ लोगों ने देखा।
शव पड़ा होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शिनाख्त करने की कोशिश की तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त में जुट गई। वहीं वृंदावन कोतवाली प्रभारी से जब इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने इस बारे में जानकारी होने से ही मना कर दिया। उनके अनुसार उन्हें इस संबंध में कुछ भी पता नहीं था। ओल चौकी क्षेत्र के गांव सरूपुर में एक बच्ची और उसके भाई का अपहरण कर ले जाते बाइक सवार को ग्रामीणों ने पकड़ कर धुन दिया। इसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना फरह क्षेत्र की ओल चौकी में लोगों से घिरा खड़ा ये व्यक्ति वो शातिर है जो एक बच्ची और उसके भाई को बहला फुसला कर अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। ये व्यक्ति इन बच्चों को जलेबी कचौड़ी खिलाने का भी लालच दे रहा था, लेकिन जब मोटरसाइकिल काफी दूर पहुंची तो बच्ची बाइक रोक कर उतारने की जिद करने लगी, लेकिन इस व्यक्ति ने बाइक नहीं रोकी। इस पर भाई बहन समझ गए कि दाल में कुछ काला है, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस पर जब ग्रामीणों ने ऐसा होते देखा तो मोटरसाइकिल रुकवा ली। जब ग्रामीणों ने इस बच्ची से पूछताछ की तो उसने बताया कि मोटरसाइकिल सवार उससे छेड़छाड़ कर रहा था। ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां बच्ची ने सारी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के और ग्रामीणों के सामने दी। जैन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से अवैध रूप से ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस बरामद शराब की कीमत 2.25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबों पर उस वक्त पानी फेर दिया जब एक लग्जरी गाड़ी में शराब की पेटियों को लादकर वे हरियाणा से आगरा ले जा रहे थे, लेकिन उससे पहले वृंदावन कोतवाली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैन चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान HR 26A C901 की इस गाड़ी को रोका। पुलिस गाड़ी की तलाशी लेने लगी, इसी दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। वहीं पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी मिली। घटना की खबर मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रवण कुमार भी जैत चौकी पहुंच गए। उन्होंने बताया कि अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस सक्रियता से काम कर रही है और आज करीब 2.25 लाख रुपए की शराब पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। जैत पुलिस के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया है और लगभग 2.25 लाख की कीमत की शराब पकड़ी गई है और एक इंडिवर गाड़ी पकड़ी गई है जिसकी भी कीमत लगभग 26-27 लाख है। तो ये एक बड़ा शातिर गैंग है जिसमें हम लोग बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं और IPC और आबकारी की जो भी नियम है उसकी जो धाराएं हैं उसके तहत कार्रवाई। थाना कोसी क्षेत्र में रेलवे पुल के समीप नमक से भरा एक ट्रक राजमार्ग पर पलट गया। इस ट्रक के पलटने से न सिर्फ वहां जाम लगा बल्कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मथुरा के कोसी कला थाना के गोपाल बाग चौकी क्षेत्र के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे पुल से उतरते समय एक नमक से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के कारण वहां यातायात बाधित रहा। वहीं ट्रक पलटने की वजह ट्रक की कमानी टूटना बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक पलटते ही वहां से गुजर रहे राहगीरों ने ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला और मामूली रूप से चोटिल लोगों को पास के हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। इस घटना के बारे में ट्रक ड्राइवर का कहना था कि हम तो पुल से नीचे उतर रहे थे कि अचानक ट्रक की कमानी टूट गई जिससे अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। ट्रक में भरे नमक के बोरे रोड किनारे बिखर गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना का मौका मुआयना किया। दीपक, ये कैसे कैसे ट्रक कैसे कैसे पलटा था? ये पटा टूट गया था गाड़ी। अच्छा, और गाड़ी
नहीं कंट्रोल है, क्या बोल रहे हैं? क्या ओवरलोड थी गाड़ी? चोट खा गई। क्या सामान था गाड़ी में? नमक। कितने क्विंटल नमक था इसमें? बीस टन। कौन से घटना है? गोपाल बाग, गोपाल बाग नहर। कितने लोग टोटल है? दो। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए मंच न्यूज़।